लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। संग मंदिर में हम जाएं।
हैप्पी बर्थडे। थैंक यू मामा। बहुत बढ़िया। थैंक यू। खोल के देखो, स्पेशल गिफ्ट है। ए, अभी खोल कर देखोगी क्या? दीदी देखने दो ना उसे। तू चुप रह। ए अंजलि, अंजलि रुक जा। भागो अंजलि भागो। अरे रुक जा। अरे अजय। हाँ, वो क्या है कि मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछिए दीदी जी। तुम नौकरी के लिए कोशिश कर रहे थे, मिल गई नौकरी? ट्राई कर रहा हूँ। ये क्या है, मैं अपनी कंपनी में हजारों लोगों को नौकरी देकर काम करवाता हूँ। मैं चाहता था तुम भी वहीं काम करो, लेकिन तुम माने नहीं। प्रेशर देकर कहता हूँ तो कहते हो नए जनरेशन की बात समझ में नहीं आती। जनरेशन गैप कहकर इस बात को हमेशा टाल देते हो। इस तरह से चुपचाप चले जाना ही जनरेशन गैप कहलाता है। अजय कितना अच्छा ड्रेस है ना। ड्रेस अच्छा है ना? बहुत अच्छा है मामा। चलो बैठ जाओ। मामी आज मैं ये ड्रेस स्कूल है ना, जाओ जाकर बैग निकालो। चलो आज कहीं घूमने चलते हैं। नहीं मैं इसकी छुट्टी नहीं कर सकती। जाओ जाओ जाओ, अपनी बैग लेकर आओ। जाओ। अरे जाओ ना। हाँ मैं आ रही हूँ। तो रुक जरा। सब कुछ ठीक है ना दीदी? हाँ सब कुछ ठीक है, तुझे तो सब कुछ पता है। ये लो, इतने पैसे काफी है ना? अभी के लिए काफी है। ठीक है, पता नहीं तू इधर उधर क्यों भटकता है। अपनी दीदी के पास रहेगा तो क्या तकलीफ होगी? यहाँ रहूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे तुम्हारे जीजाजी कुछ नहीं कहेंगे। तुम अपना काम करो। ठीक है, उसे स्कूल भेजकर तुमसे बात करती हूँ। अंजलि रेडी हो गई? अजय कहाँ हो? हाँ आता हूँ, आता हूँ जीजाजी। क्या हुआ जीजाजी, आपने बुलाया? तुम रवि को जानते हो क्या? हाँ जानता हूँ। तुम जानते हो उसे? फिर तो अच्छी बात है। ये लो, इसे रवि को देकर फोन करने के लिए कहना। अंजलि भागो मत। ये लो टिफिन बॉक्स में जो भी दिया है सब खत्म करना, समझ गए ना बेटा? आज मैं मामा के साथ जाऊं मम्मी। ये अपने डैडी से पूछो। हे, आज तुम कार नहीं लाए क्या? गाड़ी सर्विसिंग के लिए दी है। तो फिर मेरी गाड़ी लेकर जाओ ना। डैडी हमेशा गाड़ी से जाती हूँ, बहुत बोर होता है। आज एक दिन मामा के साथ बाइक पर जाऊं प्लीज। ये हुई ना बात, तुम्हें कोई मना कर सकता है? जैसे तुम्हारे मामा के साथ जा सकती हूँ ना। चलो बहुत जिद्दी है। चलो संभाल कर, आराम से ले जाना इसे। टाटा करो, टाटा करो। ठीक है दीदी, बाय बाय। बाय डैडी। संभाल कर जाना। हेलमेट कहाँ है तुम्हारा? बैठ जाओ, चलो आ जाओ। रास्ते में एक हेलमेट ले लेना, नहीं तो चालान हो जाएगा। ठीक है जीजाजी, संभल के संभल के, आराम से बैठी हो ना? ठीक है जीजाजी, मिलते हैं। बाय मम्मी। बाय। बॉक्स गिराना मत, संभल के। सुनो, अपने भाई को समझाओ कि हमारी कंपनी में ट्रेनिंग ले ले, फिर मैं उसे कंपनी का मैनेजर बना दूंगा। देखिए ये ट्रेनिंग वेनिंग छोड़कर उसके सर पर कोई जिम्मेदारी डाल दीजिए। वैसे भी अब उसके अलावा हमारा है ही कौन। अच्छा तो तुम ऐसा सोच रहे हो। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। वैसे भी मैं सोच रहा था कि कंपनी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर डालकर सुकून से अपनी बच्ची के साथ जिंदगी बिताता। ठीक है, मैं आपकी बात समझती हूँ। अगले महीने उसका जन्मदिन है, उसे एक सरप्राइज देंगे। बढ़िया है। इसे यहां लटकाते हैं, पीछे बैठो। हुँ? मैं बस अभी आया। हाँ चाकू है क्या? आज मैं तुम्हें ढेर सारी चॉकलेट दूंगी। हाँ फिर हम सब फ्रेंड्स बहुत मजे करेंगे। रस्सी भी दो। चॉकलेट? चॉकलेट कितने का है? 150 रुपए। पैक करके दो ना। ठीक है, तुम्हें भी चॉकलेट दूंगी। ओके ये लीजिए। ओ मेरी बच्ची, ये लो इसे बैग में रख लो। हर वक्त डॉल साथ में रखती हो, खाने के वक्त भी, पढ़ाई के वक्त भी, अब इसे स्कूल में भी लेके जाओगी। हाँ बताओ, गुड़िया को इतनी पसंद करती हो? ये मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, एक सवाल पूछता हूँ, तुम्हें मामा पसंद है या गुड़िया पसंद है? आपने मुझे ये गुड़िया ला कर दी, इसलिए मुझे आप भी पसंद है। मेरी प्यारी मुन्नी।
ठीक है, इसे पकड़ो, इस गुड़िया को अपने पास रखो, ठीक है? हाथ डालो, चॉकलेट इसमें डाल दिया है, ठीक है? स्कूल में अपने सारे फ्रेंड्स को देना, और हाँ, इवनिंग में मामा ट्रीट देंगे। कहाँ जाएंगे पता है? कहाँ जाएंगे मामा? इवनिंग में होटल जाकर, उसके बाद थिएटर जाएंगे, ठीक है? और बहुत मजे करेंगे। तब से पकड़ो, हाँ। इतनी सुबह सुबह कहीं उधार वाला तो नहीं है? ये क्या है? इसे सूख लो तो दोपहर तक सोता ही रहेगा। यस, कम इन। देर क्यों लगा दी? बहुत गहरी नींद में सोया था। आ जाओ अंदर। ये तो सो रहा है। कितना टाइम हुआ है? अब तक सो रहा है। समझ नहीं इसे क्यों उठा रहा है? पता नहीं क्या हुआ। बनिए की दुकान का बिल 9000 रुपए हो गया है अजय। वो तो दूध का कवर तक नहीं देता। तो इसे क्या, ये तो अपनी दीदी के घर से अच्छे से खा के आया है। हे, ये ले, इसे फैन से लटका के फांसी लगा ले या बाहर जाके बांध दे। बहुत चाकू चाकू चिल्ला रहा था ना, ये ले, ले। अरे यार, क्या बात है, नए कपड़े यहाँ खाने के लिए बांधे हैं और अपने लिए नए कपड़े। ए, मैं एक अमीर लड़की से प्यार करने लगा हूँ और वो मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन समझती है। अगर अच्छे से ड्रेस नहीं पहनूंगा तो क्या समझेंगी मुझे? उसे सच बता देना चाहिए था ना। अगर इसने उस लड़की को सच बता दिया ना तो इसके लव की तो वो ऐसी नहीं है। ठीक है, फिर उसे सच बता देना। बता दूंगा यार, उसकी कार का ईएमआई नहीं भरा तो उसकी कार उठा के ले गए और उससे मिले मुझे 10 दिन हो गए हैं। गाड़ी उठा के ले गए? तू अपनी दीदी के घर पर था ना, वहाँ से पैसे मांग लेना चाहिए था। उस पैसे को तो हमने दारू और सिगरेट पीकर खत्म कर दिए। ये सब क्या? इसकी वजह से तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, खा लो। खाना मुझे सोना है। खाना किधर है यार? अरे यार, तू अच्छे से सो, लगता है यार इडली कम है। क्या इडली कम है? अरे यार, फिर से मुझे इडली ही खानी थी। अरे इस वक्त कौन है यार? अरे वो समोसे का नाक वाला है, मुझे कैसे बचा ले यार। मैं बोल रहा हूँ। लाट साहब बाहर गए हुए हैं क्या? नहीं भैया, वो पैसे के सिलसिले में गांव गया हुआ है। गांव से वापस आएगा या वहीं रह जाएगा?
अरे इससे कहीं बेहतर है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरे। जमीन तो जैसे बेच कर खा गया है, बेशर्म कहीं का। अरे कितने चक्कर काटूं मैं, मेरे हाथ तो लगे फिर देखो क्या करता हूँ मैं। हेलो हेलो, इतनी ऊंची आवाज में बात क्यों कर रहे हो? हाँ अगले महीने इसी दिन इसी तारीख को अपने पैसे लेके जाना। ए, मैं उसे बोल रहा हूँ, गुस्सा तुम्हें क्यों आ रहा है? हेलो, कितना पैसा है तुम्हारा? ब्याज के साथ 4.5 लाख। 4.5 लाख और क्या। सुन लो, जो तारीख तुमने बताई उस दिन पैसे नहीं मिले ना तो मैं तुम्हारे जीजा के पास जाऊंगा। वैसे भी मैंने उसके भरोसे पैसे नहीं दिए, मेरे बारे में जानते हो ना, वो दिखने में तो मासूम है लेकिन चालू लगता है। ए, जरा समझा दो उसे। ए, इतने सारे पैसों का तुमने क्या किया? ए, मेरे प्लेट में इडली थी, वो कहाँ गई? बंदर की औलाद। तुझसे क्या पूछ रहा हूँ, कहाँ भाग रहा है? हाँ ए, ए, उसके पैसे नहीं दोगे तो जिंदगी भर छुपना पड़ेगा। ए, पते डालना। इसकी तो आज तक किसी से डरने का नहीं, जो भी होगा कोर्ट में देख लेंगे। गलती से मुझसे निकल गया। ए, जाकर जरा देख कितना डरपोक है यार ये। डरपोक नंबर वन। ए पांडे, अरे आइए आइए, अंदर आइए। अब ये सुबह सुबह शुरू कर दिया क्या? श्रवण कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। सभी को एक एक तकलीफ है। क्यों भाई, जब भी तुम लोग को देखता हूँ मस्त रहते हो, आज इतने डल के हो? चाचा जी और क्या होगा, बस पैसे की परेशानी है। वो तो मरने के बाद ही खत्म होगी। जिंदगी में तुम कभी रम्मी नहीं डालोगे क्या? ए श्रवण, आज तू काम पर नहीं गया? क्या आप मजाक कर रहे हो चाचा जी? अरे वो भी कोई काम है क्या? वहाँ कौन इंसान काम करेगा? ए, उस काम के बारे में गलत मत कहना, वो काम मेरी जान से भी ज्यादा प्यारा है। हम एक दूसरे को नहीं जानते फिर भी तुम लोग मुझे चाचा कहते हो, उसी काम की वजह से ना। तुम लोग कब सीरियस हो गए? ए श्रवण, कम से कम तुम्हें तो याद है ना? ये बात तो आप 250 बार बोल चुके हैं, अच्छे से याद है, सच बोल रहा हूँ। 250 बार सुना तो एक बार और सुन लो, क्या चला जाएगा। इस उम्र में तू अपने पति को छोड़कर किसी और के साथ भाग गई। बाय। अरे मम्मी बचा बचा, अरे कोई बचा। Excuse me, sir, अरे मैं बचा, मर गया। अरे बचा, no, no, बचा। परमिशन मुझे कि तभी मैं अंदर आऊंगा। अरे अंदर आकर बचाओ मुझे। संभालिए। थैंक यू भाई। एक बात बोलूं सर, आप ये ऑयल अपने गंजे सर पे लगाएंगे ना तो बाल उगाएंगे कसम से सर। अरे बेवकूफ, यहाँ जान जा रही है तू, बाल उगाने की बात कर रहा है? अरे तू सेल्समैन है क्या? सर, महीने का आखिरी चल रहा है सर, मुझे अपना टारगेट पूरा करना है, वरना मैनेजर मुझे बहुत डांटेगा। तुम्हारे टारगेट के चक्कर में मैं कहीं ऊपर ना टारगेट हो जाऊं? अरे नीचे उतारो, नीचे 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 भी उतारना पड़ेगा। बहुत कंजूस लग रहा है, कम से कम 10 बोतल मुझे बेचनी है। ले, पहले 3 बोतल लोगे क्या? ये क्या है? आधा कर दो क्या? स्वाइपिंग मशीन है मेरे पास, दो क्या? ये क्या कह रहे हैं? जल्दी बचा, जल्दी बचा। अच्छा अच्छा अच्छा। ए, एक बात तो है, 10 बोतल ऑयल लगाने के बाद बाल झड़ना बंद हो गए। लेकिन बाल झड़ने के लिए बाल तो होना चाहिए ना। किसका फोन बज रहा है ये? ये उसका ही है। माँ, ए तेरी माँ का फोन है। फोन क्यों कर रहा? माँ का फोन था। 10 दिन के बाद पिताजी का ऑपरेशन होने वाला है, उसके लिए 4 लाख रुपए चाहिए। अब इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊं मैं? अरे अरे छोड़ो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। हैं? हेलो। हेलो पापा, ज्योमेट्री बुक और 2 लॉन्ग नोटबुक्स लाने के लिए कहा था ना? ठीक है बेटी, भूलना मत, जरूर लाना। ठीक काम है, काम पर जाने से पहले ला कर देना, मुझे स्कूल जाना है। लेकर आऊंगा। चल काट दे। चलो रात को बोतल लेकर आता हूँ, बड़े घर पर आ जाना सब लोग। सच बता रहा हूँ, उस घर में मैं नहीं जाऊंगा। पिछली बार जो गया था वो आखिरी बार है, दोबारा उस घर में मैं नहीं जाने वाला, मुझे बहुत डर लगता है यार, सच बता रहा हूँ। इतने बड़े घर में इतना बड़ा हादसा हो गया है, आप अकेले कैसे रहते हैं? वो सब छोड़ो, आओगे कि नहीं?
ठीक है आप जाओ, मैं इन लोगों को लेके आता हूँ। ठीक है, अच्छा तो मैं चलता हूँ। सुनो, अच्छी वाली लेकर रखूंगा, आ जाना सब लोग, ठीक है? चखना चखना मत भूलना, याद तो रहेगा ना? याद रहेगा, पीने से ज्यादा चखना चाहिए इनको। अरे यहाँ तो ताला लगा है। चाचा हमको बुलाकर कहाँ चले गए होंगे यार? चाचा अरे आप कहाँ हो? अरे खेत में हूँ, थोड़ी देर में सामान लेकर आता हूँ। ठीक है जल्दी आओ, हम लोग आ गए हैं। ए वो यहीं के आसपास है। लेकिन ये बताओ तुमने उस पैसों का किया क्या? हाँ लेके बैंक में डाल दिया ना। बात कर रहा है, मैंने सिर्फ 20,000 रुपए उधार लिए थे, उसी का ब्याज चढ़ते चढ़ते 4.5 लाख हो गए। सोच रहा था गाँव में जाके खेती बाड़ी करता, लेकिन पिताजी ने सारी जमीन ही बेच डाली है। अब क्या करूँ, पढ़ाई के हिसाब से काम भी तो नहीं मिल रहा है। ए श्रवण, मेरे भाई यहाँ 80% लाने वाले को भी काम नहीं मिलता, और हम लोग तो उससे भी गए गुजरे हैं। ए, अगर इंग्लिश नहीं आती ना तो वॉचमैन का काम मिलता है या तो मार्केटिंग का, समझा? और ये सब करने का मेरा दिल नहीं है। अरे यार ये काम करता तो दो वक्त की रोटी हमको नसीब होती है। अबे वो बाल की दुकान, ये भी कोई काम है क्या? गंजे के सर पे बाल उगाने की दवा, ऐसे ऑयल बेचना, लोगों को बेवकूफ बनाना कोई आसान काम है क्या? एक गोली खाने से 6 पैक बनेगा, मेरी जिंदगी ऐसी हो गई है यार। अच्छा तू अपनी जीजाई की कंपनी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेता? ए रिश्तेदारों पे डिपेंड रहना अच्छी बात नहीं है, और ऐसा किया तो उनका गुलाम होना पड़ेगा, ये सब नहीं करना। अच्छा बहुत फिलोसफी मत जाड़, लास्ट तक मेरी कमाई पे गुजारे करेगा क्या? अरे मेरे बाबू। मकान मालिक का भी कई महीने का बकाया हो गया है। अरे उसका दिमाग खराब है क्या? जब देखो किराया दो करता रहता है यार, उसको बोला कि एडवांस से काट लेगा वो। एडवांस कटे 6 महीने हो गए। अरे भाई दिमाग में एक आइडिया आया है। क्या? आज के बाद कोई मकान मालिक किराया ना मांगे, इसके लिए हम आंदोलन करेंगे यार। क्या सही बात कर रहा है? उधर देख चाचा को, गाड़ी पे लुढ़कता हुआ आ रहा है। वो देख कैसे आ रहा है। हाय माय डियर गाइस, मतलब की बात है तो समय से पहले आ गए। अरे वो सब रहने दो, चखना लाए हो ना? हाँ वो सब पहले ले लिया, और आते समय समोसे खाकर आया हूँ। समोसा? हाँ तुम्हारे लिए भी लेकर आया हूँ। अच्छा चाचा जी, वो इतना बड़ा घर बना के खुद रहने के लिए अमेरिका चला गया, और आप वॉचमैन बन के यहाँ एंजॉय कर रहे हो? हाँ साल में एक बार आने के लिए इतना बड़ा घर, वाह क्या बात है यार। तुम लोगों ने शिवाजी फिल्म नहीं देखी क्या? उसमें रजनीकांत क्या बोलता है पता है? अमीर आदमी अमीर बन रहा है और गरीब आदमी कर्जा लेके गरीब। गरीब बोल के मेरी तरफ क्यों देख रहा है? मैं अभी गरीब नहीं हुआ हूँ, अभी तो मैं सिर्फ कर्जदार हूँ। जल्दी हो जाएगा। चाचा जी आप भी इनके साथ हो गए क्या? हम लोग अमीर नहीं बन सकते? हम लोग भी अंबानी बन सकते हैं यार। मैंने ऐसा क्या बोल दिया जो इतनी गहरी सोच में डूब गए? क्यों नहीं बन सकते अगर पिछली बार की तरह गड़बड़ नहीं हुई तो? अगर चप्पल से मार खा गए, चप्पल फट जाए तो? फट जाने दे। सुनो अजय, ये ठीक ही तो कह रहा है, तुम जो सोच रहे हो अब करने की कोशिश मत करो, नहीं चाहिए अब ये सब। चाचा जी पिछली बार की तरह बिना गड़बड़ किए बिना प्लान बनाते, समझ लिया ना? तुम्हारे प्लान के बारे में मुझे पता नहीं है क्या? अजय तुम्हारा प्लान गड़बड़ हुआ तो मुझे कितनी परेशानी हुई थी पता है ना? ध्यान से सुनो, उस तरह का कोई प्लान अब नहीं चलेगा, मुझे पसंद नहीं है। पिछली बातें याद मत दिलाओ चाचा जी। ए, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखो चाचा, इतने बड़े घर में सिक्योरिटी का काम कर रहे हो, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? एकदम दो, लो दम मारो। ए प्लान करते हैं, वो भी पक्का प्लान, मस्त सेटल हो जाएंगे, समझ रहे हो ना? देख यार तेरे पे पूरा भरोसा है, तू जो भी बोलेगा मैं तो ओके हूँ। ए पांडी तुझे बहुत चढ़ गई है, चुपचाप सो जा, सुबह बात करेंगे। मैं तो टाइट हो गया हूँ। यही है जो मेरी बात सुनता है। अरे तो तुम्हारी बात सुनते ही सो गया, ग्लास में तो अभी ड्रिंक बची हुई है। लेकिन चाचा जी क्या इस दुनिया में जितने अमीर है सब गद्दार है। चढ़ गई क्या जो इतना सच बोल रहे हो? आज जो यूथ खुशी से जी रहा ना उसकी वजह है ये। हाँ ये तो सही है। अगर मेरे पास पैसा हो जाए ना तो जिस महापुरुष ने इसका इजाद किया है ना उस महापुरुष का सड़क पे 4-4 पुतले बनवाऊंगा। 4 नहीं 5। 5? वो क्यों? मेरे लिए एक एक्स्ट्रा। टोटल कितना नंबर है? 5।
बंद कर बकवास, कुछ भी बोलते रहते हैं। कुछ तो गड़बड़ बोलने जा रहा था ये, लेकिन बड़ी सफाई से बात चेंज कर दी। लुढ़क गया क्या? ए, तू अभी तक प्लान से बाहर नहीं आया क्या? चाचा जी, कुछ ना कुछ करते हैं, हम लोग सेटल हो ही जाएंगे, और दूसरा रास्ता नहीं है। दिव्या बोलो, कहाँ हो तुम? वो ताज कॉर्पोरेट मीटिंग में। बहुत इम्पोर्टेंट है क्या? डिस्टर्ब कर दिया? ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, लेकिन तुमसे ज्यादा नहीं। जस्ट 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है। बोलो क्या बोल रही थी? अच्छा एक प्रॉब्लम हो गई है। वन सेकेंड, आई वॉन्ट ऑल माई फाइल्स ऑन माई टेबल इमिडिएटली। यू ऑल कंटिन्यू द मीटिंग। दिव्या मैं बाहर आकर बात करता हूँ, तब तक लाइन पर रहो। हाँ बोलो दिव्या, क्या प्रॉब्लम है? पीरियड के बाद 45 डेज और निकल गए हैं, और मैंने चेक किया तो कंफर्म भी हो गया। ये क्या बोल रही हो दिव्या? कितनी बार कहा कि कंट्रोल में रहा करो। मैं क्या पूछ रहा हूँ और तुम क्या बोल रही हो? आज मिनिस्टर के घर से मुझे देखने के लिए आ रहे हैं। ठीक है। क्या ठीक है? तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? हाँ सुन रहा हूँ। हम रजिस्टर मैनेज कर लेते हैं और ऊटी स्टेट चले जाते हैं। ऊटी स्टेट? हेलो हेलो हेलो। हाँ बोलो यार। रजिस्टर मैनेज करते हैं और वहाँ चले जाते हैं, ठीक है ना? हाँ ठीक है, एक महीना वेट करो, बस एक महीना। मैं एक महीने वेट नहीं कर सकती, मेरी बात मानो बहुत देर हो जाएगी। दिव्या, मैं दिव्या, मेरी बात तो सुनो, दिव्या, फोन सुनो रख तो। रख रही हूं। ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूं? ये तो मुझे अमीर समझ रही है। अगर मेरे पास पैसा नहीं आया तो दिव्या मुझे नहीं मिलेगी। ये लोग भी आ गए। गर्लफ्रेंड से बात करने के बाद बॉयफ्रेंड का चेहरा उतर जाए तो उसे क्या समझना चाहिए? ये बात तो मुझसे क्यों पूछ रहा है? सिगरेट देख। अच्छा देख रहा हूँ तेरा बर्ताव बहुत बदल रहा है। मैं एक लड़की को किडनैप करने जा रहा हूँ। क्या देख रहे हो? प्लान बना दिया है और वही फाइनल है। ए, मजाक कर रहा है क्या? ए, पिछली बार कितनी प्रॉब्लम हुई थी पता ना तुझे, फिर तू ये गलती करने जा रहा है? क्या यार पैसे अच्छे मिलेंगे ना? मारूंगा था पर वो बंद कर। चाचा जी बोल रहा हूँ ना, इस बार कुछ गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि जिसे किडनैप करना है वो मेरी भांजी है। क्या दीदी की बेटी? मेरे जीजा के पास बहुत सारा पैसा है और घर पे रखे क्या अचार डालेगा वो? वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, समझ गया ना? मैंने अंजलि को अपने गोद में खिलाया है और उसके बारे में सोचकर थोड़ा दुख होता है। बस एक दिन की तो बात है और ना ही हम उसे टॉर्चर करने वाले हैं। सुनो, उसे कोई तकलीफ भी नहीं होगी और अपना काम भी होगा। अरे इन सबसे अच्छा है तू अपने जीजा से मदद ले लेना। उसके सामने जाकर भीख मांगो? 1 लाख देगा क्या वो? तुम्हें क्या लगता है देगा? हाथ जोड़ के भी मांगूंगा ना तो नहीं देगा वो। मेरा सपना अलग है चाचा जी। चलो चलो तैयारी करो। ए चलो। हे अजय 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 मेरी बात सुन। अजय 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 मेरी बात सुन। अजय मुझे ठीक नहीं लग रहा है अजय, प्लीज। चाचा जी इसके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है, उसके ट्रीटमेंट के लिए आप पैसे दोगे क्या? हाँ बोलिए, आपसे पूछ रहा हूँ, पैसा नहीं तो कुछ नहीं, समझे? इसे देखो, इसने जिससे पैसा लिया है ना उसका ब्याज नहीं दिया तो कितनी गाली पड़ी है पता है आपको? 4.5 लाख रुपए के लिए कितनी गाली सुनी पड़ी। कहाँ से लौटाएगा ये पैसा जरा बताइए? पैसा ही सब कुछ है, मेरे प्यार के बीच भी पैसा ही आ रहा है। ये देखो, हर साल ब्लड डोनेट करके अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देता हूँ क्योंकि पैसे नहीं है। आप ये बात नहीं समझोगे क्योंकि उसके लिए प्यार करना पड़ता है। मेरी बात का बुरा मत मानिए, अगर आपके पास पैसा होता तो आपकी बीवी आपका बच्चा आपको ऐसा छोड़ के चले जाते क्या? हाँ ऐसे क्या देख रहे हो? सबको पैसों की जरूरत है, अगर पैसा नहीं तो कुछ नहीं। यार तेरा प्लान सुनने में तो सही है, लेकिन अगर फंसे तो बहुत बुरा फंसेंगे यार। हम लोग बिल्कुल नहीं फंसेंगे क्योंकि अपने यार का प्लान एक नंबर का है। पक्का पुलिस के हाथ लगेंगे, हर रोज अखबार पढ़ते हो ना, पैसे लेते समय कैसे पुलिस पकड़ लेती है? चाचा जी
हम लोग बिल्कुल नहीं फंसेंगे। मैं बोल रहा हूँ आप वैसा करो, कल रात को आप अपनी बेटी को कन्नौज जाकर छोड़ आओ और उसी बस में वापस आओ। जब आप आ रहे होंगे तो उस वक्त चेन्नई में 3 बज रहे होंगे। उसके बाद तुम्हारी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उस स्कूल में घबराते हुए जाओ और पूछो कि मेरी बेटी कहाँ है। वॉचमैन से पूछो कि मेरी बेटी स्कूल में आई थी, इतना टाइम हो रहा है, अब तक वो घर पर आई क्यों नहीं। जाकर पूछो उससे, क्लोज फ्रेंड टीचर से जाकर पूछो कि मेरी बेटी अब तक घर पर आई क्यों नहीं। घर पर जाकर आस पड़ोस के लोगों से पूछो कि मेरी बेटी आई थी क्या, क्या आप लोगों ने उसे खेलते हुए देखा क्या। सभी लोगों से पूछताछ करो। उसके बाद पुलिस स्टेशन जाओ, पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करो, उनसे कहो कि मेरी बेटी गायब हो गई है। अच्छे से एक्टिंग करना ताकि उनको यकीन आए कि तुम्हारी बेटी गायब हो गई। ए, ये पांडी की तरह उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहा है। उस लड़की को किडनैप करने के लिए मेरी बेटी गायब हो गई है ये कंप्लेंट करने मैं पुलिस थाने क्यों जाऊं। ए, इसे उलझाओ मत, पुलिस को देखते ही मेरी पेशाब निकल आती है। पेशाब निकल आता है? अरे पैसे भी तो आप ही लोगे ना चाचा जी। क्या कह रहे? मान लो अगर पुलिस वालों ने आपको पकड़ लिया तो पुलिस से कहना कि जिसने मेरी बेटी को किडनैप किया है उसने मुझे फोन किया है और ये पैसा मैं उसे देने जा रहा हूँ, ये पैसा लेकर ही वो मेरी बेटी को छोड़ेगा। देखो तुम्हारा प्लान ठीक है लेकिन मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। अरे सुनो चाचा जी, इसने बहुत धांसू प्लान बनाया है, इसे कुछ भी समझाओगे समझेगा नहीं, कोई भी प्रॉब्लम है तो हम लोग संभाल लेंगे ना। अच्छा तुम लोग पैसे लेकर जाओगे तो मुझसे जेल में मिलने आओगे क्या? हे अजय, ये पुलिस स्टेशन कंप्लेन ये जितना भी रिस्क वाली बात है सब हटा दो, मुझसे नहीं होगा, मेरा हिस्सा दे दो और मुझे बचा लो प्लीज, मेरी बात समझो। टेंशन की बात नहीं है चाचा जी, आपकी इस उम्र में आपके ऊपर कोई भी शक नहीं करेगा। 1 करोड़ जैसे ही हमें मिलेंगे हम लोग पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, समझे आप। 1 करोड़ का मतलब है कि सबको 25-25 लाख मिलेंगे, इतना हमारे स्टेटस के लिए ज्यादा नहीं होगा। पांडे ज्यादा लालच नहीं, पुलिस भी है इसमें। सर इस साल और 15 बच्चे ज्वाइन हुए हैं, इसके लिए आपको ही डोनेशन देना पड़ेगा। अरे इसमें क्या है, कर लेंगे ना, और वैसे भी ये पैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए ही जा रहे हैं तो मुश्किल क्या है। बहुत शुक्रिया, चलता हूँ। नमस्ते, नमस्ते। मामा मामा आज हम घूमने जाएंगे ना? कहाँ जाएंगे? बीच। ठीक है दीदी घूमने चले। इनसे पूछो अंजलि, पापा से पूछो। डैडी डैडी हम बीच पर चले क्या? अगर मैडम कहें तो हम कहीं भी चले जाएंगे, चांद पे भी जा सकते हैं। आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं, बेटी पूछ रही है तो मना थोड़ी करेंगे, चलो चलते हैं। जाओ तो ड्रेस चेंज हो जाओ। एक तू उसे बिगाड़ रहा है। दीदी आप चुप रहो, जल्दी आओ, चलो जल्दी। सरोजा दरवाजा ठीक से बंद कर लेना, टीवी देखते मत बैठना। हाँ ठीक है, तुम गाड़ी निकालो। डैडी डैडी मुझे ये घर ना पसंद नहीं है, हम अपने पुराने घर चलते हैं। ए मजाक करिए, चुप बैठ। तुम्हें इतना बड़ा घर पसंद नहीं है? अगर तुम चाहती हो तो हम वहीं चलते हैं। खेल रही हो तो भूख तो लगेगी ही, मैं खाने के लिए कुछ लेकर आता हूं। लेकिन गर्मा गर्म लाइए। गर्मा गर्म खाना है, ओके लाता हूं। प्यारी बच्चों को भूख लगी है। डैडी कहाँ जा रहे हो? जरा रुकिए मैं भी आता हूँ। कहीं भी जाएगी तो गुड़िया को साथ लेकर जाएगी क्या? अजय वैसे हमारी गाड़ी में भी खाने पीने की कुछ चीजें हैं, कुछ खेलते हैं। ये मामा के लिए, ये पापा के लिए, ये मम्मी के लिए, और ये गुड़िया के लिए, और ये मेरे लिए। पकड़ लिया। ए बलून देख लिया, अब छोड़ेगी नहीं ना, संभल कर जाना। मैं वापस आकर इसे ले लूंगी, आप इसे संभाल कर रखना। दूर मत जाना। खाने के साथ मैं पीने के लिए भी कुछ लेकर आया हूँ। दीदी तुम्हें स्वीट पसंद है ना? मुझे नहीं चाहिए। अंजलि कहाँ है?
यही कहीं खेल रही होगी, उसने बलून उड़ते हुए देखे और उसके पीछे भाग गई। अरे इनको देना, ये लीजिए। ए, अंजलि को खिलाने से पहले तू ही बैठ गया खाने, कहाँ गई वो, दिखाई नहीं दे रही थी कि उसे भूख लगी है। क्या कहकर गई थी तुमसे? यही कहीं होगी। अंजलि, 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 मैं इधर। अंजलि, 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 कहाँ चली गई अंजलि? अंजलि कहाँ? अंजलि कहाँ हो बेटा? सुनिए, आपने किसी बच्चे को देखा? नहीं, हमने नहीं देखा। सुनिए, आप लोगों ने यहाँ व्हाइट ड्रेस में एक बच्चे को देखा है क्या? नहीं नहीं, हमने नहीं देखा। अंजलि, आपने मेरी बेटी को देखा क्या? यहाँ पे छोटी बच्ची है, नहीं देखा क्या आपने? देखा नहीं तो? अंजलि सर, नहीं नहीं, छोटी सी बच्ची क्या आपने देखा? एक छोटी सी बच्ची, हमें अभी आई, आपने मेरी बेटी को देखा? कि उसे भूख लगी है, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती। जीजा जी, रोइए मत। दीदी, अपने आप को संभालो। चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। हाँ जी, पुलिस स्टेशन चलते हैं, चलिए ना। चलो जीजा जी, पुलिस स्टेशन। हाँ चलिए, चलते हैं। हाँ। चलो ना। किसका फोन? हेलो। हाँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। हाँ, एक छोटी सी बुरी खबर है, आपकी बेटी मेरे पास है। रात के 12:30 बजे से पहले बेसिंग ब्रिज पे 1 करोड़ रुपया लेकर आ जाओ, और अगर गलती से तुम लोग पुलिस के पास गए तो तुम्हें तुम्हारी बेटी की लाश भी नहीं मिलेगी। मैं जो बोल रहा हूँ समझ रहे हो ना? कौन था? अंजलि किडनैप हो गई है, 1 करोड़ मांगा है, पता नहीं कौन है हमारी बेटी को किडनैप कर रहे हैं। अगर बेटी जिंदा चाहिए तो रुपए लेकर आ। क्या बोल रहे जीजा जी? मैं सच कह रहा हूँ, मुझे हमारी बच्ची किडनैप हो गई। पुलिस स्टेशन चलते हैं। नहीं नहीं, पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं, वो हमारी बच्ची को मार डालेंगे, जिंदा नहीं छोड़ेंगे उसे। जीजा जी, आप मेरी बात सुनिए, पुलिस स्टेशन चलते हैं। चलो तुम चुप रहो, मैं जैसा कहता हूँ वैसा करो, गाड़ी निकालो। हाँ चलो चलो, जल्दी चलते हैं, चलो। जल्दी आइए।
पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस स्टेशन चलते हैं? तुमने मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है क्या? अजय, वो तुम्हारी नजरों में सिर्फ एक बच्ची होगी। तुम्हारी दीदी के साथ शादी होने के पूरे 14 साल के बाद अंजलि पैदा हुई है, और वो भी दर दर भटकने और कितनी मन्नतों के बाद। एक बात सुन लो, हमारे जीने का एकमात्र सहारा है वो। भगवान का आशीर्वाद है मेरी बेटी, उसके लिए पैसे मायने नहीं रखते। अरे उसके लिए 1 करोड़ रुपए तो क्या, 10 करोड़ भी दे सकता हूँ। 10 करोड़, बल्कि यूं कहूं कि उसके लिए तो पूरी जायदाद भी लुटा सकता हूं मैं। बस किसी भी तरह से मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। वो हमेशा रात में जब तक मेरे सीने से लिपट कर सोती नहीं, उसे नींद नहीं आती। मैं उसके बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। हम दोनों मियाँ बीवी बस उसी को देखकर अपने जीवन की सारी खुशियों की कल्पना करते हैं। उसकी वजह से मैं रोड पर भी आ जाऊं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस किसी भी तरह एक बार मेरी बेटी मेरे पास वापस आ जाए। नहीं मच्ची जाजी, वो आ जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा, ठीक है? ऐसी कब तक बैठे रहोगे? जाकर कुछ खा लो। जीजा जी, मेरा फ्रेंड कमिश्नर के ऑफिस में काम करता है, मैं उससे बात कर लूँ क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ मत कहना, रिस्क है। बिल्कुल नहीं, मैं जो भी कह रहा हूँ मानने को तैयार ही नहीं। अंजलि को ढूंढना नहीं है क्या आपको? मेरी बात पे विश्वास ही नहीं है। स्टेशन नहीं गए, पैसे ठीक से रखे हैं ना? हाँ, पैसे सुरक्षित हैं। बच्चे भी सो रही है, वहाँ सब कैसा है? यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे जैसे ही उठ जाए ना उसे खाने के लिए कुछ दे देना, ठीक है ना? और मेरी बात सुनो, बिल्कुल 10 मिनट के बाद जीजा जी को फोन करके और 3 करोड़ मांगना। ए, तुम मजाक कर रहे क्या? इतना रिस्क क्यों? ए, बहस करने का टाइम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ चुपचाप वही सुनो। मैं तुम लोगों के साथ हूँ, तुम लोगों को कुछ नहीं होने दूंगा, समझे? फोन रख। हे, कुछ गड़बड़ है क्या? अब वो गड़बड़ शुरू कर रहा है। क्या हो गया उसको? ज्यादा पैसे मांग रहा है क्या? बोल दो, हम लोग ये नहीं करेंगे। लूजर की तरह बात मत करो, वो बोल रहा है कि जीजा जी को फोन करके 3 करोड़ रुपए मांगो। सबको 1-1 करोड़ मिलेगा। हे, ऐसे मत करो, लफड़ा हो जाएगा। अरे सोचो, सबको 1-1 करोड़ मिलेगा, आप गांव जाकर के ढेर सारी जमीन खरीद के अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे, आप जमींदार बन जाएंगे, जमींदार। लफंगे, अपना मुंह बंद कर, इतने पैसे हम अपनी जिंदगी में सोच भी नहीं सकते थे। ऐसा मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाचा जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, लेकिन सोच के देखो, 1 करोड़ रुपए, बाप रे। और वो बोल रहा है कि कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। ए, पिछली बार जो हुआ उसे भूल गया क्या? जो कुछ भी करो सोच समझ कर करो, इतना ही हमारे लिए काफी है भाई। मम्मी मम्मी मम्मी, डैडी डैडी। पांडे, जरा जाकर देखो क्या हुआ। मम्मी डैडी मम्मी, कहाँ है आप लोग? मुझे बहुत डर लग रहा है। ए, मुसीबत, रो मत, अब रो मत, चुप हो जा, आवाज मत निकालना वरना मारूंगा थप्पड़। चुप। मम्मी डैडी मम्मी। ए, अपना मुंह बंद कर। फोन आ रहा, फोन आ रहा। ए, रुको, मुझे तो। हेलो हेलो, एक छोटी सी गलती हो गई। अरे, क्या हो गया? मेरी बेटी ठीक है ना? हाँ, आपकी बेटी को कुछ नहीं हुआ, वो असल में मुझे 4 करोड़ बोलने के बजाय 1 करोड़ बोल दिया था। सुनो भाई, ये तो अन्याय कर रहे हैं, रहम करके मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। न्याय और अन्याय की बात करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन पैसे पाने के बाद उसे छोड़ देंगे, इसकी क्या गारंटी है? अच्छा, तो 2 करोड़ और ज्यादा मांगो क्या?
एक बात बताऊं आपको, आपकी बेटी को भूख लगी है ये बोलकर वो रो रही है। सॉरी सर, मेरी बेटी को भूख बर्दाश्त नहीं होती। तो मैं क्या करूं, मैं भी उसे खाना खिलाने के लिए ट्राई कर रहा हूं, लेकिन वो बोल रही है कि वो अपने मम्मी पापा के हाथों से ही खाना खाएगी। अब मैं क्या करूं? अंजलि से बात करने के लिए बोली। सर मेरी बेटी को फोन दो, मैं बात तो करूं, मुझे बात करनी है। क्या बोल रहा है? अपनी बेटी से बात करना चाह रहा है। फोन लेके जा, अभी ये सब भी करना पड़ेगा। हे तू अपना दिमाग मत लगा। हे चल फोन पे बात कर। हेलो मम्मी, हेलो डैडी, हेलो मम्मी। मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है मम्मी, आप लोग मुझे यहाँ छोड़कर क्यों चले गए मम्मी? अंजलि मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी, मम्मी मुझे बहुत भूख लगी है मम्मी। अंजलि दीदी, दीदी क्या हो गया? संभल के दीदी, आप बात कर लीजिए। हेलो सर। दीदी, डैडी डैडी मुझे बहुत डर लग रहा है, डैडी डैडी मुझे लेकर जाइए, डैडी मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही है डैडी। दीदी हाँ दीदी, बस तुम थोड़ी देर में अपने डैडी के पास होगी बेटी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तब तक तुम कुछ खा पी लो। नहीं मैं मम्मी के हाथों से ही खाऊंगी डैडी। ऐसा मत बोल बेटी, ऐसा बस 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 हो गई बात, बस चल अब चुपचाप हो जा। फोन पे बात करो। लो ए, इतना बात कर लिया वो काफी है, कल उसी टाइम उसी जगह। सर सर कल का इंतजार क्यों करना है सर, मैं अभी पैसे लेकर आपके पास हाजिर हो जाता हूँ। अंजलि को हमारे हवाले कर देना है, ऐसा बोलो। सर सर जैसे ही मैं आपको पैसे दूंगा आप मेरी बेटी को मेरे हवाले कर देना। सर सर मेरी बेटी से भूख बर्दाश्त नहीं होती। क्या रे, तू पुलिस को साथ लेके आना चाहता है क्या? सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैंने तो ऐसा कुछ सोचा भी नहीं है। पहले पैसा दो फिर तुम्हारी बेटी आ जाएगी, अभी फोन रख। सर 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 हेलो सर सर हेलो। क्या बोल रहे हैं जी? वो लोग और पैसे मांग रहे हैं शिवगामी। मैंने पहले ही कहा था कि पुलिस के पास चलो, आप सुनते नहीं। अरे तू चुप रहे, सुने जी जितने पैसे मांग रहे हैं दे दीजिए, लेकिन मुझे मेरी बच्ची वापस चाहिए, कुछ भी कीजिए। क्या बोल रही हो दीदी? तू चुप रहे, देखिए जी मेरी बच्ची को कुछ नहीं होना चाहिए। मैं देखता हूं, देखता हूं। ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के। यार 4 करोड़ रुपए घर में पड़े हुए हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने कब पैसे मांगे? पता नहीं हमारी बच्ची को कहाँ रखा है, वो कैसे होगी? क्यों रो रही हो आप, अंजलि आ जाएगी ना, चिंता मत करो मैं हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अजय जल्दी से गाड़ी निकालो, हम लोग चलते हैं, तुम बताओ हम लोग संभाल लेंगे। सुनिए जी चाहे हमारी पूरी जायदाद चली जाए लेकिन हमारी बच्ची को बचा लीजिए, मुझे मेरी बच्ची चाहिए। मैं सब संभालूंगा, चलो जल्दी। No!
सात बजे तुम्हें तुम्हारी बेटी मिल जाएगी। आइंदा मेरे सामने मत आना, चले जाओ, अपनी शक्ल कभी मत दिखाना मुझे। जिससे पैसे गिनते हैं उस मशीन का नाम क्या है? काउंटिंग मशीन चाचा जी। चार पांच उसे खरीद के ले। चाचा जी अंजलि ने कुछ खाया ना? वो कुछ खा पी नहीं रही है और ज्यादा प्यार मत दिखा। क्या यार तूने कमाल कर दिया ना, ये भी ना कब क्या बोलता है इसे पता नहीं। चाचा जी, चाचा जी ये गड्डी ले लो। क्या कर रहे हो आप? मैं कुछ और आइडिया सोच रहा हूँ। अब तो सब कुछ अच्छे से हो गया, आप क्या नया आइडिया सोच रहा है? मेरे जीजा ने जो मुझे कहा है वो मेरे कानों में गूंज रहा है, वो अपनी बेटी के लिए 10 करोड़ दे सकते हैं। अरे ये तो पार्ट टू के लिए भी रेडी हो गया है। देखा नहीं मेरे पैरों पर कैसे गिड़गिड़ा रहा था? नहीं नहीं नहीं, जो मिल गया है बहुत है, ज्यादा लालच करेंगे तो मुसीबत में पड़ जाएंगे। लाइफ में जो भी चांस मिलता है उसे मिस नहीं करना चाहिए। इस बार मिस कर दिया ना जिंदगी भर पछताओगे। सुन तेरे जिया जी पुलिस में तो नहीं जाएंगे ना? चांस ही नहीं, चांस नहीं है। पांडी फोन लगा। ए, इसके जीजा जी को फोन करने को कहा था, फोन यहाँ क्यों फेंक दिया? हर बार फोन मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अब तक तू ही फोन कर रहा था ना, इस बार भी फोन तू ही करेगा। ए, बाल की दुकान, पहले ये बता 3 करोड़ की गिनती आती भी है तुझे, जो 3 करोड़ बांटने के पीछे लगा है? मुश्किल है, मैं मानता हूँ बहुत मुश्किल है, लेकिन सोचो अगर गिनती करने से मुझे ज्यादा पैसे मिल गए तब। मुझे भी फोन करने का दिल नहीं कर रहा है चाचू, जो बोल रहे हैं वो मुझे सही लग रहा है। मैं जो कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है। ए, तुम मेरी बात को नहीं समझ पा रहे हो। पांडी तुम्हें याद है ना एक बार क्या हुआ? जब भी उसके बारे में सोचता हूँ ना घबराहट के मारे दिल की धड़कन तेज हो जाती है। तू तो कह रहा था कि वो पुलिस में नहीं जाएगा? ये पेपर देख, हम सबकी न्यूज़ छपी है। हम लोगों को पकड़ने के लिए पुलिस की एक अलग टीम बनी है। पहले ही बोला था कि लफड़ा होगा। सब बेकार हो गया। ए, इसे दूसरे कमरे में ले जा। चाचा कहते हो लेकिन मेरी बात मानता कोई नहीं। मैंने पहले ही कहा था ये सब ठीक नहीं है हमारे लिए। एक काम करो, लड़की को छोड़ आओ। एक तो पुलिस हमारे पीछे पड़ी है चाचा जी, 2-3 दिन सब्र करो, मैं उसे कहीं जाकर छोड़ दूंगा। देख तू अभी जाकर कहीं से भी कार लेकर आ, ये सब हमें बहुत ज्यादा टॉर्चर लग रहा है यार, 4 दिन हो गए, जरा सोच एक बार। ए बेवकूफ, तू अभी कार की बात मत कर। अगर मैं चाहूँ तो जीजा की कार लेकर आ सकता हूँ, तू मुंह बंद रख। कौन सी कार? व्हाइट कलर की ऑडी कार ना, है? जिस पर अंजलि बिल्डर्स का स्टिकर चिपका हुआ है, वही ना, उसी की बात कर रहा है ना? वो किसी काम की नहीं है, हम सब फंस जाएंगे। हे अजय, वो सही कह रहा है, तुम्हारे जीजा जी की नहीं दूसरी गाड़ी लेंगे। हे श्रवण, वो सेल फोन उठाकर फेंक दिया क्या? उस घटिया फोन को तो मैं कब का गटर में फेंक चुका हूँ, इस सब की मुझे जरूरत नहीं है, समझ रहे ना तू? अरे सब ऐसे गुस्सा करोगे तो कैसे चलेगा? टेंशन मत लो चाचा, भूख लगी है, कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, उस लड़के को मैं संभालता हूँ। तुम लोग किसी काम के नहीं, तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए पैसा। व्हाइट कलर की गाड़ी, अंजलि बिल्डर्स, अंजलि बिल्डर्स, व्हाइट कलर की गाड़ी, व्हाइट कलर की गाड़ी, अंजलि बिल्डर्स, व्हाइट कलर की गाड़ी, अंजलि बिल्डर्स, व्हाइट कलर की गाड़ी। चाचा जी, तुम सब लोग कौन हो? मुझे क्यों अगवा किया है? जानते हो मेरे पिताजी कौन है? अगर उन्हें पता चला तो तुम लोगों को छोड़ेंगे नहीं। ए, बहुत जबान चला रही है तू, हाँ?
यार। लगता है बहुत बड़ी मुसीबत होने वाली है। इस लड़की ने तो सबको पहचान लिया है। चल अंदर चल। ये सब तेरी वजह से हुआ, तेरी वजह से हुआ सब। उसे सब पता चल गया है कि हम लोग कौन है, तेरी वजह से। अरे क्या हुआ, हम सबको देख लिया ना। इसकी वजह से उसे पता चल गया है कि हम लोग कौन है, वो सब जान गई। अरे तू तो इसके बारे में जानता ही है ना, जरा शांत रह। शांत हो जा। अरे चाचा, वो लड़की सब जान गई है, हमारी सारी डिटेल, समझ गए? ए, तू फालतू में डर रहा है यार। व्हाइट कलर की ऑडी कार और अंजलि बिल्डर्स, इससे पुलिस को कुछ भी पता नहीं चलेगा। ए, तो अपना मुंह बंद कर। देखना कैसे मारा इसने। इतना काफी नहीं क्या पुलिस को जानने के लिए? अब क्या एड्रेस भी साथ में देगा क्या? कब तक ऐसे सोचता रहेगा? करना क्या है पहले ये बता। और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ए, बिना जवाब दिए जा रहा है यार। पीछे जाओ और गड्ढा खोदो। अजय, नहीं ऐसा नहीं। अपहरण के केस में 15 दिन में जेल से बाहर आ जाएंगे, लेकिन अगर खून किया तो पूरी जिंदगी खत्म। चल हम लोग सरेंडर कर देते हैं। ए, चाचू एकदम सही बोल रहे हैं। तू कोई प्रॉब्लम चेक करना चाह रहा है क्या? चलो सरेंडर कर देते हैं। ए, मुझे खून करने का शौक नहीं है। एक बात ध्यान से सुन, अगर हम लोगों ने सरेंडर कर दिया ना तो उसका बाप हमें जेल में सड़ा देगा, तो क्या कर लेगा? सुन, क्या होगा, हम उसके पैर पकड़कर माफी मांग लेंगे यार। अबे पागल, तुझे पता नहीं है, वो सिर्फ जेल में नहीं सड़ाएगा, वहां गुंडे भेज के हमें मरवा देगा। ये तो क्या बोल रहा है चाचू? वो कौन है पता है? वो मारतान की बेटी है। अगर उसे पता चल गया तो हमारे टुकड़े टुकड़े कर देगा। बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ यार, वो तो बहुत बड़ा गुंडा है। हे, वो हम लोगों को जान से मरवा देगा। ए, अगर हमें जिंदा रहना है तो उसे मरना होगा, क्या समझा? हाँ, अरे चुप क्यों है? ए, क्या बोलता है, बोल बोलना। अरे बोल, छोड़। ए, छोड़ बोला ना, छोड़। हाँ। भैया प्लीज, भैया प्लीज, मुझे छोड़ दो, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। प्लीज भैया, प्लीज प्लीज भैया, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो भैया, प्लीज प्लीज भैया, मुझे छोड़ दो। नहीं भैया, thank you.
क्यों रख रहे हो? इससे इसकी आत्मा बाहर नहीं आएगी। सही है, तुम लोग जो कह रहे हो सही है। दीदी और जुजाजी के बारे में मुझे बहुत तकलीफ होती है। अंजलि भूखी होगी ना? ये अच्छा इंसान है या बुरा? बचपन से मैंने उसे गोद में खिलाया है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरे साथ बहुत अच्छी रहती है। तकलीफ हो रही है। ठीक है, सुबह होते ही अंजलि को उसके घर पर छोड़ दूंगा, ठीक है ना? उसको घर पे छोड़ के सब लोग अपने अपने काम पे लग जाएंगे और ठीक 3 महीने बाद आकर हम ये पैसा बांट लेंगे, ठीक है ना? क्या कहा, 3 महीने बाद? नहीं नहीं नहीं, ये सब अब नहीं चलेगा। हाँ, अभी 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 पैसे का बंटवारा कर। हे, अगर अभी पैसा खर्च करेंगे तो डाउट होगा। हे पांडे, अजय सही कह रहा है। ठीक है अजय, लेकिन इसके ऊपर जो उधारी के पैसे हैं वो और इसके पिताजी के ऑपरेशन के पैसे निकाल लेते हैं, बाकी तुम जैसा बोल रहे हो 3 महीने के बाद बांट लेंगे। क्या बोलते हो तुम लोग? ए, अरे ये बाल की दुकान मुझे क्यों बीच में घसीट रहा है? ठीक है चाचा जी, ठीक है। ए, चल सो जा, कल सुबह अंजलि को घर छोड़ देंगे। अंजलि सो गए क्या? पांडे, क्या हुआ यार? उसके मुंह पे टेप चिपकाया है ना, उसे निकाल दो, ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है। ठीक है, निकाल दूंगा ना, अभी जाऊं क्या? सारे काम मैं ही करूं क्या? तेरी तो इससे एक भी काम नहीं होता। मेरी बेटी की रक्षा करना, उसे कुछ मत होने देना। मुझे मेरी बेटी चाहिए भगवान, उसे कुछ मत होने देना, वो मेरे पास से ही सलामत लौट आए। भगवान, हम सब तुम्हारे हाथ में है भगवान। भगवान, मैंने जो मन्नत मांगी आपने पूरा किया है, अब मेरी बेटी को वापस आप ही को लाना है। अगर और कुछ करना है आपके लिए तो हम अपनी अंजलि के बाल भी आपके चरणों में अर्पित कर देंगे। अगर उससे भी आपका दिल नहीं भरता है तो मेरी बात सुन लीजिए, मैं अपने हाथ को काट कर मैं आपको समर्पित कर दूंगा। बस हमारी बेटी को हम तक सही सलामत पहुंचा दो। आप मुझे हिम्मत देने के बजाय खुद ऐसी बातें कर रहे हैं। देखिए, हिम्मत मत हारिए, हमारी बेटी आएगी, भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, वो जरूर वापस आएगी। आ जाएगी ना? जरूर आ जाएगी। हमारी बच्ची को खीर बहुत पसंद है। सुनो, तुम ऐसा करो, जाकर किचन में खीर बना लो, वो जैसे ही घर पर आएगी वो तुरंत खीर ही मांगेगी। ठीक है, आप रोइए मत। उसको उठाओ ना।
अजय, ये अजय, अजय उठ रहे, उठ। क्या हुआ चाचा? अरे वहां देख। हाँ? अरे वहां देख, अंजलि यहाँ कैसे आई? अरे मुझे क्या पता। अरे ये यहाँ कैसे आई? तूने तो बोला था ना कि खोल दो। मैंने मुंह का टेप निकालने के लिए कहा था। अरे अभी क्या रहा, पहले बोलना चाहिए था ना। अरे ये यहाँ कैसे? चेहरा ढक लो। मामा ये सब आपके फ्रेंड्स है क्या? अरे नहीं बेटा, ये मेरे फ्रेंड्स नहीं है, इन लोगों को मैं बिल्कुल नहीं जानता। आप झूठ मत बोलो मामा। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुम रो मत। मुझे मम्मी पापा के पास ठीक है, ठीक है मामा। तुम रोना बंद करो, रोना बंद करो, तुम अंदर बैठो। हाँ तुम अंदर बैठो, इधर जाओ, अंदर जाओ, इधर मैं आ रहा हूँ, जाओ इधर जाओ, ले जाओ। मामा नहीं, मामा, लगता है एक और प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है। चल मामा, अरे चीनी तो हर बार गड़बड़ कर देता है। मामा अरे चुप रहो ना तुम, चलो मेरे साथ, चलो चुपचाप चलो, चलो चलो अंदर जाओ। पिछली बार भी तेरी वजह से गड़बड़ हुई थी। क्या करें? सिगरेट दे। कुछ तो करना पड़ेगा। दूसरा रास्ता नहीं है। पैसे लेकर कहाँ जा रहा है? पीछे हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, छोड़ दो। तुझे जो कुछ करना है बता के क्या? मैं अंजलि और पैसे जीजाजी को जाते लौटा दूंगा। मुझे और कोई दूसरा रास्ता नहीं समझ में आ रहा है, मैं उसे माफी मांग लूंगा। हे, तेरे भरोसे पे हमने ये सब किया, अब तू हमें जेल में डालेगा क्या? सभी अखबारों में फोटो आ जाएगी हमारी। जमीन खरीदेंगे, जमींदार बनेंगे, सपने दिखाकर अब तू ये करने जा रहा है। तो मैं क्या करूं? मुझे अंजलि ने देख लिया है, वो जाकर दीदी और जीजाजी को सब बता देगी। सब खत्म हो गया है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से क्या फायदा? छोड़ दो मुझे। श्रवण जाने दो, जाके बैग अंदर रख। क्या अजय, तो मेरी बात सुन, इधर चाचू आप हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ। हे पांडे, तू खड़े खड़े देख क्या रहा? आजा आजा, अजय तू मेरे साथ चल। देख मेरी बात सुन, इमोशनल होकर कोई कदम मत उठा, जो गलती हो गई उसके बारे में सोच, जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले भाई। तो मैं क्या करूं? शांत हो जा, शांत हो जा पहले। कम से कम अब तो चाचू की बात सुनेगा, सुनेगा ना? इधर देख, अगर तू अभी जीजाजी के पास जाकर ये कहेगा कि अंजलि का किडनैप हम लोगों ने किया है, तो वो पता है क्या करेंगे? सीधा पुलिस में जाएंगे और हमारे खिलाफ रिपोर्ट कर देंगे। मेरे जीजाजी पुलिस में नहीं जाएंगे, इस बात की मुझे गारंटी है। और अगर वो गए भी ना, तो मैं तुम लोगों का नाम नहीं लूंगा, यकीन करो। चल रे, सुन, आधे घंटे से ज्यादा मुंह बंद नहीं रख पाएगा। पुलिस के बारे में तुझे क्या पता? चाचा जी, मेरी अगर जान भी जाएगी ना, तो मैं तुम लोगों का नाम नहीं लूंगा, प्लीज यकीन करो, समझने की कोशिश करो। हे, बेवकूफ मत बनो, तू जो सोच रहा है इतना आसान नहीं है। नहीं, वो पुलिस में नहीं जाएंगे, मैं संभाल लूंगा। की बात छोड़, एक साथ तुमने इतने पैसे कभी देखे हैं क्या? और सात जन्मों में हम इतने सारे पैसे नहीं देख पाएंगे। ए, तेरे जीजा ने कभी तेरी मदद की? नहीं की ना, करेगा भी नहीं,
कितने कितने पैसे जमा करके रखे हैं उसने। इतने पैसे देखने के बाद तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। गरीब आदमी एडजस्ट करके जीता यही सोच रहा है ना, एडजस्ट नहीं करता, घुट घुट कर जीता है। अब मुझे भी अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है। क्या मतलब, क्या कहना चाहते हैं? तू बीच से हट जा, बाकी मैं संभाल लूंगा। ए पांडे, उस लड़की को जहां दफनाया है उसके बगल में एक गड्ढा खोद। नहीं, क्या बकवास कर रहे हो तुम? देखो मुझे गुस्सा मत दिलाओ, तुम्हारा लिहाज करता हूँ। बचपन से उसे मैंने अपने गोदी में खिलाया है। बेवकूफों जैसी बातें मत करो। नहीं, इसके लिए मैं कभी भी राजी नहीं होऊंगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, गलती की है, गलती की है, गलती की है। तुम लोगों के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए थी। बहुत गलत सोच है तुम लोगों की, बहुत गलत सोच है, बहुत गलत कर रहे हो तुम। चलो चलो चलो, हम उसे छोड़कर आते हैं। चलो उसे छोड़कर आते हैं हम लोग। उसे भूख लगी हुई, उसे भूख बर्दाश्त नहीं होती। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता, मैं नहीं देख सकता उसे रोते हुए। चुप कर, क्या कर रहा है, क्या ड्रामा कर रहा है? नहीं यार, तू कितना भी मारेगा तो भी तेरे आगे पीछे घूमता रहेगा वो है पांडे। इसके पिताजी के ऑपरेशन के लिए पैसा कौन देगा? हमारी उम्र का ना होते हुए भी हमारा साथ देने वाले हैं ये चाचू। इनकी बेटी की शादी के लिए पैसा कौन देगा? तेरा जीजा देगा क्या? बकवास करता है। तो तेरे क्या करना होगा? ये पैसा रख रख के इसमें दिमाग लग जाएगा ना, फिर भी ये पैसा तेरे जीजा जी को नहीं देने वाले। तू ये पैसा वापस करेगा, टीवी, मीडिया, न्यूज़पेपर, हर जगह हमारी फोटो छप जाएगी। तुम्हारे जीजा जी को कुछ ना हो, चाहे हम लोग फंस जाएं। मैंने गलती कर दी, बहुत बड़ी गलती। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम लोग तेरी बात मान लेते हैं, लेकिन उससे पहले तू हम तीनों को मार दे, गड्ढे में दफना दे। अरे हाँ, तुझे तो इस सब की आदत भी है ना? गलती कर दी। सुन, ये सब कुछ हमने तुमसे ही सीखा है, अब ये सब हम करने जा रहे हैं। क्या कर रहे हो आप लोग? गलत है ये, गलत है ये, बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अरे वो बच्ची है यार, उसे छोड़ दो, छोड़ दो। अरे उसे कुछ खाने के लिए दे दो, उसे भूख लगी होगी यार, उसे कुछ खाने को दे दो। ऐसा कर सकते हैं, तुम आपस में पैसा बांट लो और अंजलि को मेरे हवाले कर दो। मैं अंजलि को घर छोड़ दूंगा और सरेंडर कर दूंगा, तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, शहर खाकर मर जाऊंगा। अंजलि शादी के 14 साल के बाद मन्नत से हुई बच्ची है वो। उसे छोड़ दो, उसे मत मारो, उसे बहुत प्यार करता हूँ, उसे मत मारो, मत मारो, मत मारो। क्या करें, बहुत कंफ्यूजन है। एक काम करते हैं, हम लोग इसको ही मार देते हैं, हाँ, वरना ये हम सबको फंसा देकर देख लेंगे। बात मानो, इसे खत्म कर दो। कि क्या बोल रहा है ये, पागल हो गया क्या? क्या बोल रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है ये। सेंटीमेंट से काम नहीं चलने वाला, खत्म कर देते हैं। पैसा ऐसी चीज है, इंसान को देखो कैसे बदल जाता है। अरे तुम लोग भी अगर उसकी तरह पैसे देने की बात करते तो 3 गड्ढा मुझे खोदना पड़ता, फिर भी एक बार बात करके देखते हैं। लेकिन मैं इसे समझाऊं कैसे? चलो एक कोशिश करके देखता हूँ, शायद बात बन जाए। अजय, ए,
तेरे कहने के अनुसार हम तीनों ने तेरा साथ दिया, अपनी बेटी को गांव छोड़ने का ड्रामा किया। समझ में नहीं आ रहा है कि उसे वापस कैसे बुलाऊं। अगर पैसे मिल जाएंगे तो अपनी बेटी के साथ कहीं दूर जाकर सेटल हो जाऊंगा। हे, ये सब कुछ पैसे के लिए किया ना? हाँ, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना, तू कैसे समझेगा? तू चुपचाप बैठा है, कुछ बोलता क्यों नहीं? मेरी बात सुन, ये जो तेरा प्यार है वो भी झूठा है क्या? पैसे मिलने के बाद तू उसे रानी की तरह रखेगा, लेकिन अगर तू मर गया तो क्या वो लड़की खुश रह पाएगी? वो तो जीते जी मर जाएगी। क्या तू नहीं चाहता कि उसके साथ खुशहाल जिंदगी जिए? बोलना बोलना। नहीं चाचा, नहीं चाचा जी, ऐसा मत करो। वो बहुत छोटी बच्ची है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, बहुत बड़ी गलती कर दी, गलती कर दी है चाचा जी। मुझे पता नहीं था कि हम यहाँ के पास जाएंगे। मुझे पता नहीं था। ठीक है, अंजलि तुम्हारी गोद में पली हुई है ना, तुझे तो तकलीफ होगी। बच्ची है वो, छोटी सी बच्ची है, मुझे तकलीफ होगी। ठीक है, तू यहीं बैठ, बाकी मैं संभाल लेता हूँ। उसे कुछ मत करो, वो बच्ची है। तू चिंता मत कर, पीछे जाके गड्ढा खोद। उसे कुछ मत करना, वो छोटी सी। पैसे मांगे थे वो भी मैंने उन्हें दे दिया। अब जब बात करने के लिए फोन लगा रहा हूं तो स्विच ऑफ मिल रहा है। सुनो, लो जरा तुम ट्राई करो।
अजी, क्या हो गया आपको? क्या हो गया आपको? ये मत रखिए, अंजलि आ जाएगी। आगे खोलिए ना, क्या हुआ? अरे क्या हुआ? अजय, ये लो, ये सारी दवाइयाँ मेडिकल स्टोर से लेकर आओ। ठीक है, जल्दी आना। देखो आराम से। हाँ, चलिए संभाल। आराम से जाओ। आ जाइए। आइए, आ जाइए, आ जाइए। ए जी, आप यहाँ क्यों बैठ रहे हैं? अंदर जाकर आराम कीजिए। आज 10 दिन हो गए, हमारी बच्ची का कोई अता पता नहीं है। वो जब आएगी तभी मुझे चैन मिलेगा। सुनो, मेरी बच्ची जल्दी आएगी, जाकर तुम उसके लिए खीर तो बनाओ। जाओ जाओ, मेरी बच्ची जल्दी आ जाएगी, वो आज आ जाएगी। मेरी बेटी को यह घर पसंद नहीं था। वो जैसा चाहती थी, मैं इस घर को छोड़कर पुराने घर में चला जाऊंगा। देखो बेटी, पापा को क्या हो गया? तू अब तक वापस क्यों नहीं आई? तू कैसी है मेरी बच्ची? 14 साल तक मंदिर मन्नत मांगने के बाद एक वरदान की तरह तू हमें मिली। अपने पापा के लिए तू वापस आ जा बच्ची, तू वापस आ जा मेरी बच्ची। चलिए वापस आ जा, चलिए। देखो कैसे सो रहा है ये। रात को एक ख्वाब में आई और गुल का हार। बताना क्या हुआ? ए, मैं तुझे इसीलिए कहता हूं कि इतनी ज्यादा मत पिया कर, चल।
अच्छा यही है क्यों बे? पैसों के लिए तो अपनी बहन की बेटी को किडनैप करेगा? बता बच्ची कहाँ पर है? जल्दी बता। क्या सपना देख रहा है क्या? हाँ ठीक है, बुलाता हूँ उसे। हाँ बुलाता हूँ, बोलो क्या बात है? सर उस बच्ची का मामा आया हुआ है सर। कौन सी बच्ची? वही सर, अंजलि। अंजलि, ठीक है बुलाओ उसे। ठीक है सर। ए साहब बुला रहे हैं, जाओ। बकवास है। नमस्ते। पहले बच्चे पैदा करते हो फिर उन्हें सड़क पर छोड़ देते हो, गायब हो जाने पर पुलिस स्टेशन में आकर कंप्लेंट लिखाते हो। तुम लोगों ने हमें मजाक समझ रखा है। दिन भर में तीन बार तुम्हारे जीजा जी यहाँ आते हैं और बोलते हैं मेरी बच्ची को ढूंढो, मेरी बच्ची को ढूंढो कहकर परेशान कर दिया। अब तुम भी आगे चक्कर लगाने? नहीं सर, लड़की गायब हुई है, दो महीने पहले कंप्लेंट लिखवाई थी सर। कुछ पता चला सर? ये देखो, छह महीने में जितने बच्चे गायब हुए हैं उनकी लिस्ट है इसमें। अरे हमें कोई क्लू मिलेगा तब तो हम ढूंढ पाएंगे ना। अगर तुम्हें किसी पर डाउट है तो हमें बताओ, हम उसे पकड़कर उससे सच उगलवा लेंगे। पैसे देते समय हमारे पास आ जाते तो आज मामला कुछ और होता। अगर किसी पुलिस वाले ने 500 मांगे होते तो व्हाट्सएप पर डाल देते, फेसबुक पर डाल देते, लेकिन यहाँ तुम लोगों ने क्या किया, 4 करोड़ पकड़ा दिया उन्हें। 4 करोड़, जाओ और पैसे मांगेंगे दे देना उन्हें। पहले पैसे दे दो उसके बाद हमारे पास आना, जाओ यहाँ से। अच्छा हुआ पुलिस को हम पर शक नहीं है। तुमने मोर्जरी में देखा क्या? मोर्जरी? वहां पर भी एक बार देख लेना ठीक है। वाले भी अंजलि को ढूंढ रहे हैं। अजय, जब तुमने पुलिस में जाने की बात कही थी तभी मान लेते तो अच्छा था। एटलीस्ट जब तुम उसे पकड़ने गए थे तभी मुझे उसे पकड़ लेना चाहिए था, लेकिन मैं बेवकूफ, उसे छोड़ दिया मैंने। मुझे भी ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अंजलि के बिना मैं एक जिंदा लाश बन गया हूँ। सिंधा लाश बन गया। जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन मुझे मर जाना चाहिए था। जिस दिन वो गायब हुई थी काश हम भी तब मर जाते, मैं उसके बिना जी नहीं सकती। सच कह रही हूँ, मर तो हम जाते ही, उसके बिना जीना ही कौन चाहता है शिवगामी। लेकिन जब हमारी बच्ची आएगी तो हमें ढूंढेगी, और जब हम उसे नहीं मिलेंगे तो वो बहुत तड़प उठेगी। सुन अजय, इस मुश्किल घड़ी में तू ही एक हमारा सहारा है और कोई नहीं। अगर तुमने ही हिम्मत हार दी तो हमारा क्या होगा? दीदी, मुझे ये सब देखा नहीं जाता। बैठ जा, अंजलि आ जाएगी। अंजलि आ जाएगी। बैठ जा। ये चादर मेरी बच्ची को बहुत पसंद थी। सुबह उठते ही चादर लेकर मेरे पास आकर गले लगकर डैडी कहकर बुलाती थी। मेरे मम्मी और पापा मुझे दिन रात याद करते हैं और रोते रहते हैं। गुड़िया रो मत, गुड़िया रो मत। कौन है, कौन है, कौन है? मुझे भी तुम्हारी तरह पैसों के लिए जब मैं कॉलेज से लौट रही थी तब इन लोगों ने अगवा कर लिया और मुझे मारकर पीछे गाड़ दिया। दीदी आप कहाँ हो? दीदी, दीदी
दीदी, मुझे जहाँ गाड़ा गया है उसके ऊपर एक पुतला है, अगर वो हटा दिया जाए तो मैं बाहर आ सकती हूँ। तुम्हें जहाँ गाड़ा गया था उसके ऊपर कोई पुतला नहीं था, इसलिए तुम बाहर आ पाई हो। तो रो मत गुड़िया, रो मत। मुझे मेरे मम्मी डैडी से मिलना है दीदी। तुम मिलोगे अपने मम्मी डैडी से गुड़िया? वो लोग मुझे लेने आएंगे ना दीदी? कब आएंगे मुझे लेने, बताओ ना दीदी। आएंगे गुड़िया, जरूर आएंगे। मेरी बात सुनो, जहाँ मुझे गाड़ा गया है वहाँ पर पुतला है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ। दीदी अगर आप कहो तो मैं वो पुतला उस जगह से हटा दूँ क्या दीदी? बोलो ना। तुम उस पुतले को हटा नहीं सकती गुड़िया, सिर्फ इंसान ही उस पुतले को हटा सकता है। पर मैं बाहर आना चाहती हूँ गुड़िया। तो फिर अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं दीदी? जिन्होंने हम दोनों को मारा है मैं उन लोगों से बदला लेना चाहती हूं। तुम भी बदला लोगी ना? मैं उनसे बदला लेना चाहती हूं दीदी, उन्होंने मुझे मेरे मम्मी पापा से दूर कर दिया। मुझे भी इन लोगों ने अपने परिवार वालों से दूर कर दिया। हम दोनों को इनसे बदला लेना होगा गुड़िया, हम बदला जरूर लेंगे, जरूर लेंगे। अरे देखो भूल गया, पूजा के लिए कुछ सामान लेकर आना था मुझे। अरे पूजा किस लिए? हाँ मुझे बताना तो चाहिए था ना। तुम लोग को जब दारू पीनी होती है तो यहाँ आते हो, मैं तो यहीं रहता हूँ। मुझे डर लगता है, रात को अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए मैंने एक पुजारी को बुलाया है। कल सुबह यहाँ पर पूजा करवानी है मुझे। वो उनसे बोलना भूल गया कि कल सुबह ही वो आ जाए, ठीक है? तो मैं बोलकर आता हूँ। अब चलो साथ में अपने पूजा का भी सामान लेके आ जाते हैं ना। चलो। सुनो मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, आप लोग जाकर हो आओ। ठीक है तुम रेस्ट करो, और देखो लैंडलाइन पर कोई फोन आए तो उठाना नहीं, ठीक है? हाउस ऑनर का फोन हो सकता है वो। सुनो चाबी देकर जाओ मुझे। हाँ लो। थोड़ी माँ की रात है और ये अकेले रहने के लिए कह रहा है। मुझे बेवकूफ समझते थे ना, अब मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए लूजर बना दूंगा। क्यों मारा?
भगवान, पैसे लेके कहाँ जा रहा था? हमसे धोखेबाजी कर रहा है क्या? तुम लोग चाहो तो ये पैसे ले लो यार, वो अंजलि भूत बनकर इस घर में घूम रही है। अंजलि, उसे कहाँ देखा? हाँ यही घूम रही है वो। हे, क्या बकवास कर रहा है तू? हैं हे, इधर इधर। मैं विश्वास करूँ? हे, पैसे चोरी करके भाग रहा था, पकड़े जाने पर भूत का नाटक कर रहा है तू। ए श्रवण, रस्सी लेके आ। देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा। अंजलि को कहाँ देखा? वो इस घर में ही घूम रही है। बोलेगा तो मैं यकीन कर सकता हूँ, लेकिन पैसे चोरी करने के लिए भूत का नाटक करेगा? चाचू बाहर जाकर देखो, कोई है क्या? यकीन करो, इतने सालों से दोस्ती है और अब गद्दारी कर रहा था। छे, देखो मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो सच में भूत बनकर यहाँ पर घूम रही है। मैंने उसे देखा है। सच बोल रहा है क्या? किसने अंजलि को देखा है? श्रवण, क्या है? पहले तो इसको खोल दे। अरे क्या बोल रहे हैं आप? अरे जो कह रहा हूँ उसके पीछे वजह है। अरे क्या हुआ? इस घर में कुछ तो है। क्या बोल रहे हो आप? तुमने हमने उसे जहाँ गाड़ा था उस जगह पर तुमने कोई पुतला रखा था क्या? आपने ऐसा कुछ नहीं कहा था। अरे बेवकूफ कहीं के। अरे तू जल्दी से पूजा के रूम में जाकर वहाँ से कोई भगवान की मूर्ति या तस्वीर लेकर आ और अंजलि को जहाँ गाड़ा है वहाँ रख दे। ठीक है। अजय, वो पुजारी तो कल आने वाला है, एक काम करते हैं उसे जाकर अभी लेकर आते हैं। चलो पहले पैसे साइड में रख देते हैं। हाँ। अच्छा हाँ, श्रवण तू इसके साथ जा, नहीं तो ये कुछ गड़बड़ कर देगा। ठीक तरीके से फोटो उसके ऊपर रख देना, ठीक है ना? भूलना नहीं हाँ, वरना बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, कोई नहीं बचेगा। वो तो बाहर आ चुकी है, अब तुम फोटो रखो या कुछ भी रखो कोई फर्क नहीं पड़ता। Ha ha ha!
इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। ऊपर वाले ने जो सोचा वैसा ही हो रहा है। चलो, हमारा काम यहाँ नहीं है, सब उसकी ही मर्जी है। साथ में क्या हुआ होगा, मुझे बहुत डर लग रहा है चाचा जी। मुझसे मत पूछ, मैं खुद ही डरा हुआ हूँ। चाचा जी, श्रवण का कोई आवाज भी नहीं आ रहा है। मुझे बहुत डर लग रहा है। भूतों से भी बड़ा भूत लगता है। अगर तुम कहो तो मैं इसके बाल
लगता है तीनों भाग गए हैं। मुझे जाके देखना होगा। मार देना चाहिए। मैं उनका पैसा लौटा दूंगा अंजलि। प्लीज मुझे छोड़ दो। दीदी, आपको पता है मेरे शरीर में हाथ मिसिंग है। मैं सच कह रहा हूँ अंजलि, मैं उनके पैसे लौटा दूंगा। औरत को कोई समस्या हो तो दर्शन ही कहकर बुलाओ, मैं आ जाऊंगी।
शिवगामी, तुम तो हर रोज मुझसे पहले उठकर मुझे कॉफी देती थी, आज इतनी देर क्यों हो गई? आज हमारी बेटी आने वाली है, उसने कहा था ना? उठो, हमारी बेटी आज आएगी, आज हमारी शादी का दिन है ना, आज हमारी बेटी आएगी। सुनो, इस तरह सोई मत रहो है। सुनो शिवगामी, शिवगामी अरे बाप रे, अरे बाप रे, शिवगामी तू भी मुझे छोड़कर चली गई। ये कौन से मेरे जन्मों की सजा है भगवान। मैं वापस आकर इसे ले लूंगी, आप इसे संभाल कर रखना, मैं अभी आई। अरे बाप रे, अरे बाप रे, आज मेरी बेटी आएगी, वो जरूर आएगी, वो मुझसे पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा, अपनी माँ के बारे में पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा, मैं क्या बताऊंगा उसे, हे भगवान क्या जवाब दूंगा, क्या बताऊंगा। लेकिन वो 35 सालों के बाद अपने घर फिर से वापस आ गई। हमारी बेटी बहुत होशियार है शिवगामी। भले ही उसे हमारे घर का पता मालूम नहीं है, लेकिन हमारा फोन नंबर पता है उसे, वो फोन करके अपना एड्रेस देगी, फिर हम जाकर उसे ले आएंगे। हमारी बेटी जरूर आएगी। तुमने मेरी बात पर यकीन नहीं किया, पागल औरत है तू, तू मुझे यहाँ अकेला छोड़ गई। मेरी बेटी आएगी, खीर मांगेगी तो कौन देगा उसे? तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया। ठीक है, अभी मैं इस घर में जिंदा हूँ, मरा नहीं। अंजलि के लिए, उसके लिए मैं खीर बनाऊंगा। जब वो आएगी उसे खिलाऊंगा। जाकर दुकान से सामान लेकर आ जाता हूँ, अभी जाता हूँ, लेकर आ जाता हूँ। अपनी बेटी के लिए खीर बनाऊंगा मैं। मम्मी, पापा बहुत तकलीफ में है मम्मी। कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों की बात है, वो जल्द ही हमारे पास आएंगे।